Mau constituency in Uttar Pradesh votes on 7th March. The constituency has always drawn attention because of its winning candidate and jailed MLA Mukhtar Ansari. However, Mukhtar Ansari won't be contesting this time round. Instead, his son, 30-year-old Abbas Ansari, will be contesting from the same seat. Abbas has been fielded by the Suhail De Bharatiya Samaj Party, an ally of the Samajwadi Party. Mau is a small district adjacent to Azamgarh, known for its textile and weavers. 30-year-old Abbas was a member of the Indian shooting team. Ansari is quite confident that this time round he will be able to win the seat again. Mau constituency in Uttar Pradesh votes on March 7th. However, it is not Mukhtar Ansari, who is the local MLA right now, who's also been jailed, who will be contesting, but his son Abbas Ansari. Let's try and understand from him what do the people expect and how confident he is of winning. Hi. Hi. आपको क्या लगता है क्यों लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं. मेरी पैदाइश भी यहीं की है और मेरा लगभग सारी छुट्टियां स्कूल के टाइम में और जब से जवानी हुई है 10 साल हो गया इस मऊ के विधानसभा क्षेत्र में और इस पूरे ज़िले में. ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई चट्टी नहीं बची है जहां मैं घूमा ना हो, जहां कहीं मेरा दोस्त ना हो. तो ये मेरे लिए बड़ा ही जाना पहचाना, ये पूरा मेरा घर है. लोगों का एक घर होता है, यहाँ हर घर मेरा है. और आवाम बहुत अच्छे से जानती है कि हमारे यहाँ बात बहुत साफ़ है. जो काम होने वाला है वो मुंह पर बता देते हैं कि हो जाएगा, और जो नहीं होने वाला उसके लिए हम किसी को टालते नहीं है कि आप 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद. मुंह पर बता देते हैं कि नहीं हो पाएगा. इसलिए जनता ये जानती है कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी हमारे घर पर आता है, हमारे ऑफिस में आता है या कार्यालय में आता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, ये नहीं कि सिर्फ मऊ का, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर रोता हुआ आता है तो उसका आंसू पोंछ कर भेजने का काम करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े. इसीलिए आवाम साथ है और इस बार इतिहास बनेगा. आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं, आपको क्या लगता है? लोगों का ऐसा एक परसेप्शन है कि आपके पिताजी अभी जेल में हैं, मजबूरी में आपको टिकट देना पड़ा, आप पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे. देखिए, मैं चुनाव पहले भी लड़ चुका हूँ. 2017 में मैं चुनाव लड़ा हूँ, 82,000 वोट पाया था. वहाँ से सिटिंग MLA जो थे, 6 बार के आज के डेट में गवर्नर ऑफ बिहार हैं, तो उनसे मैं करीब 5,000 से चुनाव हारा था. तो मैं राजनीति में भी कोई नया नहीं हूँ. वो बात अलग है कि शूटिंग में करता था, वो मेरा प्रोफेशन था, ये मेरा पैशन है. खिदमत खल्क हम लोग एक इबादत के तौर पर करते हैं और इसका बड़ा ऊँचा दर्जा है. इसलिए ये आज मजबूरी है कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और जनता की सेवा करनी है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए चुनाव लड़ रहा है. एक जो एक तरह से क्रिटिसिज्म बीजेपी का आपकी तरफ आता है, जैसे कि पहले भी बोला गया, एक डर की राजनीति. आपके पिताजी अभी जेल में हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो माफिया हैं, डॉन है, उनका यही हश्र होगा अगर वो आएंगे पावर में. देखिए, डरा कौन रहा है ये तो हर मंच से नजर आ रहा है. हमसे तो आवाम मोहब्बत करती है. देखिए, आप यहाँ खड़ी हैं, कहीं भी आपको कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिख रही है? कोई भी एक भी कोई पुलिस का या कोई भी प्राइवेट प्रोटेक्शन? ये सब मेरे भाई हैं, और अगर मुझ तक कोई आएगा तो ये सब खड़े हो जाएंगे उसके सामने. ये हमारे और इनके बीच में ताने बाने का रिश्ता है, ये बुनकरों का जगह है. तो हम और ये हमारे लिए चलते हैं और हम इनके लिए चलते हैं. इनको पता है कि इन पर कोई भी नज़र उठाएगा तो उसके सामने हम ढाल बन करके खड़े रहेंगे. और हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, मौत हयात उसके हाथ में है. तो ज़िंदगी जब तक है तब तक है, जब नहीं होगी तो चले जाएंगे. एक और क्रिटिसिज्म जो आता है, इसलिए मैं आपकी उस पर राय जानना चाहती हूँ, कि वो कहते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है, कि आप मुस्लिम्स के का सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का क्या? आपको पता है मऊ सदर सीट पर कितने परसेंट माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है? मात्र 10%, और हम वोट पाते हैं 50+. तो जो 40+% वोट करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको हिंदू नहीं मानती? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से. देखिए, ये जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग इस देश के संविधान को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान तो धर्म निरपेक्ष है. ये तो समाजवाद पे भरोसा करता है. सभी जातियों और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला ही भारत, ये गंगा जमुना तहजीब वाला जो भारत है, वो सबको पसंद है. ये इस तिरंगे का रंग बदलना चाहते हैं और ये जनता होने नहीं देगी, इनका तख्ता पलट देगी जनता.
आप अगर जीत कर आते हैं तो आपकी तीन ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आप कराएंगे, और अगर अलायंस की सरकार बनती है तो क्या आप लोगों का फोकस होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर इशू है। देखिए, आपने जो तीन कहा उसमें से एक तो यही है, मगर पहला यहाँ पर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ मऊ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। मतलब मैं बताऊँ, कोरोना काल में हमने अपने पैसे से निजी हमने यहाँ पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भेजे थे, और उसके बावजूद भी आप एक लिमिटेड ही भेज सकते हैं, आप इतना नहीं भेज सकते अपने पास से कि आप सबका कर सकें। उसके बाद हमने अपनी सरकारी निधि से यहाँ वेंटिलेटर भिजवाए और भी बहुत सारी चीज़ें की, मगर यहाँ सत्ता में बैठे कुछ लोग जो है वो यहाँ के मेडिकल माफिया हैं, वो मोनोपोली चलाते हैं, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में, जिनके परिवार के लोगों को क्यों मरने के बाद भी उनको वेंटिलेटर पर रख के उनसे पैसा वसूला गया है। तो सबसे पहले यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा, सेकंड पे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ कोई भी अच्छा बड़ा कॉलेज नहीं है, एक कॉलेज हम बनवा भी रहे थे हम अपने परनाना ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर, मगर उसको भी सीज कर दिया गया है। वक्त हालात सही होगा, सरकार आएगी तो न्यायपालिका में उसकी भी अपील करके हम उसको भी बाहर छोड़वाएंगे और एक ऐसा बेहतर कॉलेज बनवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि सरकार के माध्यम से यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी चीज़ बनवाई जाए जिससे हमारे नौजवान साथियों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। यहाँ मिल्स हैं, सारी मिल्स बंद हैं, उसको खुलवाने का काम है। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार तो 65% युवाओं की आबादी वाले देश में 90% आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं। ये तो सत्ता में बैठने वाले केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों साथ मिलकर के काम करेगी, तभी हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल पाएगा। आप कितना कॉन्फिडेंट है कि अलायंस की सरकार आ पाएगी? देखिए, मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ, कॉन्फिडेंस है मुझे। मऊ में जो हाल है, मऊ में बता दूँ कि जितना वोट बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से हम चुनाव जीतेंगे, और यही हाल बगल के आजमगढ़ का भी है। 10 सीटें हैं वहाँ, 10 की 10 साफ़ हैं। यहाँ मऊ में 4 सीटें हैं, 4 की 4 साफ़ हैं। गाज़ीपुर में 7 सीटें हैं, 7 की 7 साफ़ हैं। बलिया में 7 सीटें हैं, 7 की 7 साफ़ हैं। तो इनको कोई भी, मुझे लगता है पूर्वांचल ने तो इनको नकार दिया है, आप पश्चिम से आई होंगी आपको वहाँ का भी रिजल्ट मालूम होगा, इनको नकार दिया है क्योंकि जनता समझ गई है। देखिए, झूठ आप एक बार बोल सकते हैं, हर बार मैं इस पॉकेट में से कबूतर निकालूं, एक बार निकालूं, दो बार निकालूं, तीसरी बार में आप भी जान जाइएगा कि अब हाथ डालेगा पॉकेट में कबूतर निकालेगा। तो ये वही काम कर रहे हैं, अब जनता समझ चुकी है और सरस्वती माँ इनके ज़बान पर ऑलरेडी बैठ गई हैं, अब अपने मुँह से ही ये कह रहे हैं कि 2070। आखिरी प्रश्न, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, जिसके बारे में हमेशा बीजेपी ये कहती है कि आप हमारी सरकार को पिछली एसपी सरकार से अगर कंपेयर करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जनता में भी इसके बारे में बात हो रही है, वो कहते हैं अगर एसपी की सरकार आती है, अलायंस की सरकार आती है, तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी जिसमें बिल्कुल डर के साथ जीना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बुजुर्ग होंगे, बट मेरी जितनी जानकारी है आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक के जनरल डायर के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस देश में रहा है तो वो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ये क्या कानून व्यवस्था अच्छी है? कुलदीप सिंह सेंगर साहब सिटिंग एमएलए थे, बहन की इज्जत तार तार कर दिया, बाप ने आवाज़ उठाई तो उसकी भी बोलती बंद कर दिया, और परिवार ने आवाज़ उठाई तो उनकी भी बोलती बंद कर दिया। उन्नाव में बेटी आपको याद होगी, जिस बेटी की इज्जत तार तार करने वाले कुछ जाति विशेष के लोगों को समर्थन था सत्ता का, इसलिए बेटी को सही समय पे इलाज नहीं मुहैया कराया गया, उसकी जान चली गई हाथरस में। और उसके बाद उसकी मां ने जब हल्दी लगाने के लिए कहा, ये धर्म की बात करते हैं, हल्दी लगाने के लिए कहा तो उसकी मां को बिटिया की लाश भी नसीब नहीं हुई, गाँव के बाहर ले जाकर आग से जला दिया। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। देखिए, कोरोना काल आपको याद होगा, लाखों की तादाद में इस देश में लोग अपने परिजनों को अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के गाड़ना पड़ा, सरकार ने उनको लकड़ियां मुहैया नहीं कराई, राम मंदिर में भी घोटाला हो गया, क्या बचा है? अगर सरकार में बैठे कुछ लोग जो चाहें करें, आज आप बात करती हैं अगर क्राइम की ये बात करते हैं तो देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का दोस्त, दाऊद इब्राहिम का फाइली, उसके लिए हत्या करने वाला, सैकड़ों हत्या करने वाला बृजेश सिंह, सैकड़ों मुकदमे जिसके ऊपर हैं, वो व्यक्ति आज बनारस की जेल में है। बनारस क्षेत्र किसका है? देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उस जेल में है और आराम से है, जब मर्जी होती है बीएचयू जाता है, जब मर्जी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, जब मर्जी होती है वो जेल के अंदर रहता है और
प्रदेश के मुखिया उससे 3-3 घंटा जाते हैं जेल में मिलने, उसको सरकार समर्थन करके MLC बनवाती है, उसके भतीजे को सरकार अपनी पार्टी से टिकट दे करके विधायक का चुनाव लड़ाई है, पिछली बार भी बनाई थी, उसके दोस्त को धनंजय सिंह को JDU से टिकट दिलवा करके चुनाव लड़ा रही है। ऐसे अगर लिस्ट लगाना शुरू करें तो 27% ऐसे विधायक प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं जिनके ऊपर सीनियर्स क्रिमिनल केसेस हैं। ये एक बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस थे। हम लोग तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, जब भी कोई मुकदमा लगा हम भी सरकारों में रहे, मगर हमने किसी से नहीं कहा कि हमारे मुकदमे वापस कीजिए। ये बेशरम लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, इन्होंने अपने कलम से अपने मुकदमे हटाकर अपने आप को ये संत घोषित करने वाले, जनता हिसाब किताब करेगी इनसे। क्या आपको डर है कि जो मुस्लिम वोट है वो डिवाइड हो जाएगा, BSP है, OVC की पार्टी है, AIMIM, आपको क्या लगता है? देखिए, अकलियत बहुत अकलमंद है, एक बार गलती हो गई, आपने बंगाल का नतीजा देखा होगा, उत्तर प्रदेश में उससे भी ज़बरदस्त नतीजा आएगा, देख लीजिए क्या हाल हो गई, अपने ऊपर गोली भी चलवा ली, कोई पूछने नहीं आया, जनता समझ चुकी है BJP की B टीम कौन है, चाहे वो कोई भी दल हो, अगर संविधान विरोधी ताकत, लोकतंत्र विरोधी ताकत और तिरंगे के विरोध में खड़ी होगी तो जनता उसका साथ नहीं देगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप कह रहे हैं उन्होंने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई है, भाई आप बताइए, कोई भी किसी पे गोली चलाता है तो क्या गाड़ी के टायर में मारता है, खुद बताइए, ये सारा प्रोपोगेंडा है, ये प्रोपोगेंडा जनता बखूबी समझती है और जनता अच्छे से जानती है कि कौन कहां पर कौन सा गेम खेलकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए जनता अब उन बातों में फंसने वाली नहीं। और रही बात अपराध की, तो यहां से जो सिटिंग कैंडिडेट दिए गए उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है, ये महिलाओं की इज्जत तार तार करने वाले लोग, जनता इनका ऐसा हिसाब किताब करेगी, और यहां तो सिंबल भी छड़ी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं साथ के लिए। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद प्रवीण जैन फ्रॉम मयूर।